नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। भले ही विज्ञान ने कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन आज भी हमारे संसार में कई ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जिनके रहस्य को आज भी सुलझा पाना बेहद नामुमकिन है। तो आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही स्थानों से परिचित करवाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम इन स्थानों के बारे में विस्तार में जानते हैं। एरिया 51, अमेरिका के दक्षिण नेवाडा में स्थित खुफिया मिलिट्री बेस, जो कि एरिया 51 भी कहलाता है। कहा जाता है कि सन 1947 में इस स्थान पर एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसके बाद उसकी जांच भी की गई थी। वहां के एक वैज्ञानिक का कहना था कि एरिया 51 में काम कर रहे स्टाफ के साथ कई एलियंस भी मौजूद थे, जिनकी उम्र 200 वर्ष से भी अधिक थी और वे इंसानों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे। और तो और, वे आपस में बिना किसी माध्यम से भी बात कर सकते थे। ऐसा भी माना गया है कि टेलीपोर्टेशन, समय यात्रा और मौसम नियंत्रण भी यहां पर डेवलप किए गए थे, लेकिन सच क्या है ये पूरी तरह से कोई नहीं जान पाया है। कई वर्षों तक अमेरिका की सरकार ने एरिया 51 के होने को सिरे से नाकार दिया था। हालांकि 8 दिसंबर 2013 को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा इस स्थान की मौजूदगी का दावा भी कर चुके हैं। सुपरस्टिशन माउंटेन। दोस्तों, ये पहाड़ियां अमेरिका के एरिजोना में स्थित हैं। कहा जाता है कि सन 1800 के लेजेंड के अनुसार एक जर्मन यात्री जैकोब वाल्ट्स ने इन पहाड़ियों में गोल्ड माइंस की खोज की थी, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी सांस तक किसी को नहीं बताया कि वो माइंस कहां पर स्थित हैं। कई कोशिशों के बाद भी इन माइंस का पता नहीं चल पाया है। माना जाता है कि इस पहाड़ी की खोज करते हुए जिन लोगों की मौत हो गई थी, आज उनकी आत्माएं वहां पर भटकती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इन पहाड़ियों पर नरक का दरवाजा भी स्थित है। साउथ अटलांटिक एनोमली। दोस्तों, ब्राजील के समुद्री तट से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान बरमूडा ट्रायंगल इन स्पेस भी कहलाता है। एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि जब वे इस स्थान से गुजरते हैं, तब उनके स्पेस शटल के कंप्यूटर्स ने काम करना बंद कर दिया। यहां तक कि नासा के सैटेलाइट्स जब इस स्थान पर से गुजरते हैं, तो वे भी बंद या फिर सेफ मोड पर चले जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि जून 2009 में एयर फ्रांस की फ्लाइट नंबर 447 की दुर्घटना का कारण भी साउथ अटलांटिक एनोमली ही था, जिसमें 228 लोगों की मौत हो गई। येलोस्टोन नेशनल पार्क। दोस्तों, इस पार्क में कई प्राकृतिक गीजर पाए जाते हैं। प्राकृतिक गीजर एक तरह से गर्म पानी के फुहारे होते हैं, जो कि जमीन के अंदर से फुहारों के रूप में निकलते हैं। इस पार्क में लगभग 300 गीजर पाए गए हैं, लेकिन इन सब में ओल्ड फेथफुल नाम का प्राकृतिक गीजर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा फुहारा है। इस प्राकृतिक गीजर में नियमित रूप से विस्फोट होता है, लेकिन यहाँ पर होने वाले विस्फोट क्यों और कैसे होते हैं, ये वैज्ञानिकों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। माराकेबो लेक। दोस्तों, वेनेजुएला के साउथ वेस्ट में स्थित इस झील के कोने में पहाड़ों के ऊपर दुनिया की सबसे तेज बिजली चमकती है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में हर साल 250 बार बिजली चमकने का रिकॉर्ड है। बिजली के ज्यादातर चमकने का समय अक्टूबर और मई है, जब यहाँ पर हर रात 200 से भी ज्यादा बार बिजली चमकती है, जो कि विज्ञान के लिए किसी अनसुलझे रहस्य से कम नहीं है। इस झील से गुजरने पर अक्सर इस नज़ारे को देखा जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल मिस्टीरियस नाइट्स पर नए हैं, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही कुछ ऐसी ही रोमांचक वीडियोज़ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।